के लोकतंत्र खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। क्या समझते हैं ये? इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो, ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। समझते क्या है ये? अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो, हेमंत सोरेन को अंदर कर दो, इसके घर ईडी भेज दो, इसके अगर इसकी एमपीशिप कैंसिल कर दो, इसका घर छीन लो। अरे मालिक तुम हो, इन घरों के मालिक तुम हो, इन घरों की मालिक 140 करोड़ जनता है। कोई पता नहीं किस घर में लोगों ने किसको पहुंचाना है। ये गलत फहमी में है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। आज सुनीता जी, आज कल्पना जी बैठे हैं, सोनिया जी बैठे हैं, मैं नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं कि इन्होंने इतने दुख झेले, इन्होंने क्या क्या नहीं देखा अपनी जिंदगी में, आंधियां तूफान झेले, लेकिन फिर भी इतने हौसले वाले बैठे हैं और आपके साथ है। आपका प्यार जो है सबसे बड़ी ऑक्सीजन, आपका प्यार है। ये तालियां किसी को ऐसे नहीं मिलती। किसी को दिहाड़ी देके मोदी मोदी करवाना बहुत इजी है। जब कोई दिल से बोलता है ना, वो बात असर रखती है। जब दिल से बोलता है, ये देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं जैसे राहुल जी कह रहे हैं, ये देश को नफरत की आंधी में लेके गए हुए हैं। ये सीएए लेके आए। मैं पार्लियामेंट में था, मैं एमपी था तब। मैंने कहा जी मुझे बोलने का मौका दीजिए, कहते नहीं जी। मैंने कहा जी 30 सेकंड, कहते जी। मैंने कहा जी 30 सेकंड, कहते 30 सेकंड में क्या बोलोगे? नहीं। मैंने कहा जी 20 सेकंड, कहते 20। मैंने कहा हाँ। स्पीकर साहब कहने लगे आपका समय शुरू होता है अब। तो मैंने 20 सेकंड में बोला, मैंने कहा लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? जो लाखों अरविंद केजरीवाल देश में पैदा हो चुके हैं, उनको किस जेल में कैद करोगे? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। इंडिया गठजोड़, इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे हैं आज सभी के। मेरे ख्याल में कईयों के तो कैमरे भी कांपने लग गए होंगे, ये इकट्ठे कैसे बैठ गए? ये चाहते नहीं हम इकट्ठे बैठे, कभी ये इधर से कभी इधर से कोई हवा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सबको कि आओ इकट्ठे हो जाएं और इन भ्रष्टाचारियों को कह दो, भगवंत मान ने बोला था, इन भ्रष्टाचारियों को कह दो कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। कोई पैसा साथ नहीं जाएगा। लूट लो देश को, कितना लूटना है। गरीबों की बद्दुआएं ना लो, गरीबों की बद्दुआएं ना लो। हर बात पे झूठ चल रहा है, हर बात पे झुमला चल रहा है, झूठ पे झूठ, झुमले पे झुमला। अभी झुमले बनाने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं, अभी आने वाले दिनों में आपके पास नए नए झुमले आएंगे, यकीन मत करना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखता हूं,
तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही झुमला निकली। मोदी जी, अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता चाय भी नहीं बनानी आती होगी, जिस किस्म का झूठ चल रहा है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके दो नारे लगा दीजिए, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, वंदे, बोले सोनिया।